इस बटर चिकन की इतनी डिमांड थी ना मुंबई में, तो मैं कह रहा हूँ तहलका मचा रखा था इन्होंने। लेकिन आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ सेलिब्रिटी शेफ सारांश गोयला। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं दिल से फूडी बड़ा हूँ। और भाई जो इसके बाद फ्लेवर आएगा ना ग्रेवी में, ओ भाई नान बॉम्ब, नान बॉम्ब है। इनको हम लोग तंदूर में सेकते हैं, नान का आटा है, इसको बटर चिकन की ग्रेवी के साथ करके खाएं। बटर पनीर बिरयानी भाई, थैंक यू सो मच। जो आप दिल्ली ले आए, इसको गुड़गांव ले आए, नोएडा ले आए, वो स्मोकीनेस जो था ना वो दिल्ली में नहीं है। जो स्मोकीनेस आपने इसमें डाला ना, वो फ्लेवर की खुशबू, ओहो भाई, मतलब जो। तो भाई मुंबई का एक बड़ा फेमस एक बटर चिकन है गोयला बटर चिकन, और बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे दिल्ली में आ जाए, लेकिन अब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा तीनों जगह आ चुका है। आप भैया ऑर्डर कर सकते हो स्विगी जोमेटो, कहीं से भी ऑर्डर करो। लेकिन आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ सेलिब्रिटी शेफ सारांश गोयला, जिसने ये ब्रांड एक्चुअली बनाया है। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, किचन दिखाता हूँ, प्रॉपर बढ़िया से बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच बटर चिकन, ताकि दुनिया को पता चले ऐसा डालता क्या भाई जो मुंबई वाले पागल हो रखे और अब दिल्ली वाले पागल है। तो भाई शेफ सारांश आ गया भाई हमारे साथ, भाई थैंक यू सो मच। जो आप दिल्ली ले आए, इसको गुड़गांव ले आए, नोएडा ले आए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं दिल से फूडी बड़ा हूँ भाई। बस सीरियसली कह रहा हूँ मैं, इस बटर चिकन की इतनी डिमांड थी ना मुंबई में, तो मैं कह रहा हूँ तहलका मचा रखा था इन्होंने। और मैंने स्पेशली बोला था भाई दिल्ली में कब खुलेगा, हर एक फूडी का यही जवाब था कि दिल्ली में कब खुलेगा। बट अभी तो एक चीज़ देखो, मैं कह रहा हूँ, मैंने ना हर किसी को बोला हुआ है, जितने भी दिल्ली में बटर चिकन होते हैं ना, मैं बोलता हूँ भाई मुझे ना मीठा नहीं पसंद, ठीक है। हाँ। मैं कह रहा हूँ इनका ना मीठा थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मुझे पसंद, पता क्यों आया, वो स्मोकीनेस जो था ना वो दिल्ली में नहीं है। जो स्मोकीनेस आपने इसमें डाला ना, वो फ्लेवर की खुशबू, ओहो भाई, मतलब जो, मैं कह रहा मेरे मुँह में पानी आ रहा है, पहले आप देखो बनता कैसे है वो, ठीक है। अब ये ग्राइंड हो गई है ग्रेवी, जो सी है वो ग्राइंड हो चुकी है पूरी परफेक्ट, और उसके बाद का प्रोसेस अब आपको दिखाएंगे। करण भाई देखो, ये हमारी बहुत उम्दा पकी हुई ग्रेवी, इसको 3 घंटे हमने पकाया। अच्छा जी। इसमें अब जैसे हर बटर चिकन बनता है, तंदूरी चिकन छिला हुआ ऊपर से हमेशा। एक मेरे को खास बात और अच्छी लगती है कि कहीं पर से हम दिल्ली में जब भी हम बटर चिकन मंगाते थे ना जी, तो हाफ का ऑप्शन आता था, फुल का ऑप्शन आता था, बट मैंने जो आपका पोर्शन देखा है ना, कि पोर्शन साइज, कि भाई एक एक बंदे का साथ में दो रुमाली रोटी का जो कॉम्बो आप बेच रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूँ हर एक बंदा उसको अफोर्ड करके खा सकता है और बटर चिकन की क्रेविंग दूर कर सकता है। हमने एक एक चीज जरूर लोगों के लिए करी है कि कोई भी इंसान इसको अफोर्ड कर पाए। हाँ। हम ये नहीं चाहते कि लोगों को लगे कि शेफ ने बटर चिकन बनाया तो बड़ा महंगा होना चाहिए। एंड गोयला बटर चिकन इज नॉट ओनली फॉर बटर चिकन, बट यहाँ पे आज हम नान बॉम्ब्स भी खाने वाले हैं और एक दो चीजें और ट्राई करेंगे जिसके लिए ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका है। तो ये देखते हैं, आप कसूरी मेथी डाल दी है, बहुत सारी डालते हैं हम, दिल खोल के कसूरी मेथी डालते हैं, क्रीम हम डालते हैं, पर क्रीम का वजन हमारे खाने में कम है, कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसको बार बार खा पाओ, हफ्ते में 2 बार खा पाओ, मतलब एक्चुअली में ग्रेवी का टेस्ट है, ना कि सिर्फ क्रीमीनेस, राइट। और ऊपर से अगर क्रीम ज्यादा डाल देंगे ना, तो भाई वो बिल्कुल व्हाइट रंग का ही हो जाएगा ग्रेवी। हाँ, तो हमारी आप देखेंगे कोई कलर नहीं, कोई चीनी नहीं, थोड़ा बहुत शहद डालते हैं, हल्का सा। तो शहद की बात करिए तो हल्का सा मैं शहद डाल रहा हूँ, बस ये है वो मिठास और स्मोकीनेस। स्मोकीनेस अभी देंगे या ऑलरेडी दे चुके हैं? नहीं, अच्छा, नहीं देंगे। ये आ गए भाई, हमारा कोयला आ चुका है और गोयला यहाँ है। हाँ, और गोयला यहाँ है तो बटर के साथ स्मोक करेंगे इसको, और भाई जो इसके बाद फ्लेवर आएगा ना ग्रेवी में, एक एक बाइट में ना एक्चुअली में आपको लगेगा कि भाई पता नहीं क्या ही खा लिया है, और उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। ये मास्टर शेफ की तरह इसको ढक देंगे। परफेक्ट। स्मोक हम इसमें सिर्फ 5 मिनट देते हैं। अच्छा। अगर उससे ज्यादा दी तो ओवर स्मोकी हो जाएगा। फिर तो मतलब कह रहा हूँ कि कड़वा भी लगता खाने में। करेक्ट। एकदम ऐसा लगता है जैसे कोयला खा रहे हो। हाँ। तो यहाँ पे आपको गोयला खाना है। हाँ, सही बात है। तो एक बार निकालते हैं इसको भाई। अब वो मास्टर शेफ रिवील करें। यस। लवली जी, 5 मिनट हो गए हैं। ओ भाई साहब। और ये गोयला बटर चिकन है तैयार। मतलब आप ये देखो, जो ये स्मोकीनेस गया है ना भाई इसके अंदर, ये जब आप भाई रुमाली रोटी के साथ जो एक बाइट लेने वाले हो ना, वो बाइट आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। और हो सकता है, जैसे कि मैंने भी बताया था, हो सकता है कि आपकी सैलरी का 10% तो यहीं चला जाएगा महीने में। सिर्फ बटर चिकन भाई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप नान बॉम्ब खा लो, आप ढाबा स्टाइल चिली चिकन खा सकते हो, आप भाई दाल मखनी ट्राई कर लो अगर आप वेजिटेरियन हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज मिलता है, कि आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो गोयला बटर चिकन, यहाँ वेज भी मिलता है, रोल्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको करीज, स्टार्टर सब कुछ मिलेगा। एक काम करते हैं भाई, मतलब ये सारी चीज़ें आप बनते हुए देख ली, टेबल पे चलो, आराम से बैठ के टेस्ट कराते हैं आपको, हांडी मटन हो चाहे, चाहे वो नान बॉम्ब हो, चाहे वो ढाबा स्टाइल चिली चिकन हो, या फिर द फेमस बटर चिकन। तो भाई साहब सारा का सारा फूड आ चुका है एक्चुअली में, और पहले आप बताओ कि क्या क्या है
तो चालू करेंगे हमारे हीरो से, जो है गोयला का बटर चिकन, एक्स्ट्रा स्मोकी एक्स्ट्रा डिलीशियस बनता है ये। तो ये हमारा बटर चिकन है भाई, क्या स्मोकीनेस, क्या फ्लेवर आ रहा है ना भाई, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और इसके साथ साथ ये हमारे नान बॉम्ब है, इनको हम लोग तंदूर में सेकते हैं, नान का आटा है अंदर चिकन टिक्का, इसको बटर चिकन की ग्रेवी के साथ डिप करके खाएं तो मजा आ जाए। और साथ में क्लासिक दाल मखनी है, जिसको प्यार से हमारे वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल मखनी है, पनीर बिरयानी, बटर पनीर की बिरयानी है, बटर पनीर बिरयानी भाई साहब, क्योंकि जो हमारा बटर पनीर है ना उसमें भी वही स्मोकी फ्लेवर और अंदाज, ग्रेवी एक्चुअली सेम है जी। वाह भाई वाह, बटर पनीर की वाह भाई वाह बिरयानी। और साथ में आ गया भाई हमारा पनीर टिक्का काली मिर्च वाला, और ढाबा स्टाइल चिली चिकन है। तो ढाबा स्टाइल क्या है इसमें, क्या ढाबा स्टाइल क्या है, इसका जो कट होता है, इसका जो चॉप मसाला है चाइनीज नहीं है, वो देसी है। और ये भाई साहब मटन, ये हांडी में ही पकता है, ये हांडी में ही पकता है, और गोयला का नया रूप है, पहली बार हम किसी को दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ओहो हो, इस पे जो रोगन है सरसों के तेल का, और अगर आप देखें इसके अंदर खूब सारे खड़े मसाले खुशबू, रगड़ फूल का फ्लेवर आता है, क्या बात है। तो रोगन इसका बड़ा निकलता है और हांडी में ये पका हुआ है, क्योंकि मैंने इनके मेन्यू पे देखा है कि हांडी वाले बहुत सारे मेन्यूज आ गए, राइट, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ना कि सिर्फ नॉन वेज में, वेज में भी है, हांडी पनीर भी है शायद, हांडी जैक फ्रूट, हाँ हांडी जैक फ्रूट। ओ भाई साहब, मतलब वो मैं जरूर ट्राई करूंगा एक दिन। तो एक काम करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। तो लेट स्टार्ट विद द नान बॉम्ब। एक्चुअली में ये ऐसा बॉम्ब है कि हर कोई चाहेगा कि उसके मुँह में फट जाइए। तो ये देखो भाई, डिप लगाया नान बॉम्ब, एंड ये लुक एट दिस भाई। अब कर रहे हैं बाकी सब आइटम टेस्ट, और सच में कह रहा हूँ भाई, रुमाली रोटी खाने में ना जो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया, ये देख के मुझसे रुका नहीं जा रहा है ना, सबसे पहले ये ट्राई करना है। ये आ गया भाई इनका मीट, ये देखो, और ये हांडी के अंदर ही पका है, ये देखो एकदम खड़े मसालों का टेस्ट, परफेक्ट। चाहे पनीर टिक्का हो, चाहे ढाबा स्टाइल चिली चिकन हो, हर एक चीज़ एकदम फ्लेवर्स के साथ है, मज़ेदार चीज़ है। मैं कह रहा भाई, वेज वाले भी खुश है, नॉन वेज वाले भी खुश है, लेकिन एक्चुअली में ट्रस्ट में ये ऐसा बटर चिकन है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि बहुत टाइम तक वेट किया इसका दिल्ली आने के लिए भाई, और फाइनली अब दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा तीनों जगह पर अवेलेबल है, स्विगी जोमेटो पर अवेलेबल है, कहीं से भी आप ऑर्डर करो, आपके घर पर सेम यही टेस्ट पहुँचाना इनकी ज़िम्मेदारी है, और मेरी ज़िम्मेदारी है आप तक सर ये वीडियो बताना। टू गुड, हम इसे खाते हैं और मिलते हैं आपको बढ़िया से किसी एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द।